तुम जिस मिशन पे जाते हो कोई न कोई मारा जाता है। टाइगर, किसके आगे होगी सलमान की हवा टाइट? क्या टाइगर 3 में छाएगा विलेंस का जादू? क्या मनीष शर्मा करवा पाएंगे टाइगर 3 को हिट? स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज की हसीन फिल्मी दुनिया में और मैं हूं आपकी होस्ट प्रतीक्षा। यहाँ सिर्फ तीन चीजें ही चलती है बॉस, फिल्में, फिल्में और फिल्में। और ऐसा ही एक वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। टाइगर फ्रेंचाइजी की हर फिल्म में जहां सलमान खान के साथ विलन्स का कैरेक्टर भी दमदार रूप से छाया हुआ था दर्शकों के दिलों में, वहीं अब आने वाली टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी सीरीज में लग रहा है कि इस बार विलन्स ही सारी वाहवाही लूट लेगी, क्योंकि पहले इमरान हाशमी की बॉडी और उनको विलन के रूप में देखने के लिए दर्शक जहां पागल हो रहे थे, वहीं हाल ही में फिल्म में एक और विलेन के रूप में नजर आएंगे नौफल अजमेर खान। लेकिन अब खबर है कि फिल्म में जुड़ने वाला है एक और स्टार और ये होनहार कलाकार कोई और नहीं बल्कि मर्दानी तुम से अपने साइको लुक और किरदार से सबको हैरान कर देने वाला विशाल जेठवा है। मर्दानी तुम में इनकी एक्टिंग देख जहां अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए, वहीं अब जल्दी विशाल जेठवा टाइगर 3 से जुड़ने वाले हैं। फिलहाल फिल्म की शूटिंग रुकी हुई है पर जल्द ही शुरू होगी और शुरू होते ही मर्दानी तुम का ये विलेन ज्वाइन करेगा टाइगर 3 फिल्म की शूट। ऐसे तो अभी भी विशाल फिल्म में कैसा किरदार करने वाले हैं इस पर से मेकर्स ने पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन उनकी पिछली फिल्म के रोल को ऑडियंस और क्रिटिक्स ने जितना अप्रिशिएट किया उसको देख के तो ज्यादा चांसेस टाइगर 3 में भी उनके विलेन कैरेक्टर के ही लग रहे हैं। तो देखना वाकई धमाकेदार होने वाला है कि जब 3 विलेंस एक तरफ होंगे और अकेला हमारा टाइगर कैसे देगा उनको धोबी पछाड़। फिल्म की स्टार कास्ट इस बार भी काफी तगड़ी है। ऐसे में ये तो सबको पता है कि हर सीरीज को कोई ना कोई नया डायरेक्टर ही डायरेक्ट करता और लिखता है। ऐसे में इस बार की फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर है मनीष शर्मा, जिन्होंने बैंड बाजा बारात से अपने डायरेक्शन की डेब्यू किया था। उसके बाद लेडीज वर्सेस रिकी बहल, शुद्ध देसी रोमांस, फैन, दम लगा के हिस्सा, हिचकी, सुई धागा जैसी फिल्में भी हैं और ये सारी फिल्में फिक्शनल ड्रामा रही। ऐसे में आने वाली टाइगर 3 जो एक एक्शन थ्रिलर होने वाली है, तो ये मनीष के लिए काफी नया कॉन्सेप्ट होने वाला है और ऑडियंस के लिए भी कि मनीष शर्मा इस फिल्म का डायरेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों अब देखना तो ये होगा कि मनीष शर्मा टाइगर 3 में क्या नया धमाकेदार लेकर आते हैं। अब आप लोगों से एक ही सवाल है कि विशाल जेठवा को आप कैसे कैरेक्टर में देखना पसंद करेंगे? ये बात आप हमें अभी इसी वक्त नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां टाइप करके बताइए। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी फिल्मी अपडेट तो काफी होगी। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और सेफ रहिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें।